ओपिनियन या फिल्मोरा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्रिएटिविटी आपके दिमाग में, आपके दिमाग में है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, वीडियोस थोड़ी थोड़ी वायरल हो रही हैं। मेरे पास एक वीडियो में कमेंट आया था एक भाई का कि आप वो वीडियो बनाओ, कौन से सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना चाहिए वीडियो एडिटिंग। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आपने कमेंट किया, मुझसे कुछ पूछा। तो मैं भाई यही बोलूँगा, आपके पास जो भी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या एक मोबाइल है आपके पास, इसमें भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, सबसे पहले मैंने EDS सीखा था। उस टाइम इतना क्रेज नहीं था YouTube, FCP और Premiere Pro का, इतना तो मुझे भी डिटेल में उस टाइम पे नहीं पता था। तो मैंने EDS सीखा था उस टाइम पे, और EDS पे कम से कम 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद मेरे बॉस ने मैक का डेस्कटॉप ले लिया था, तो फिर उसके बाद मैंने FCP 7 और 10 चलाया 6 महीने तक, और उसके बाद वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने अपना सिस्टम बना लिया। मेरे कंप्यूटर में EDS और Premiere Pro दोनों डाल के दिया जिससे मैंने बनवाया था। उसके बाद मैंने जब Premiere Pro चलाया तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैंने FCP चलाया था तो भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर मैं बोलूँगा आप Premiere Pro सीख लीजिए, तो उसके लिए आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप अच्छे वाला होना चाहिए। कई लोग हैं ये भी सजेस्ट करते हैं कि आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर सीखने से बेटर है आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर सीख लो, तो उनकी बात ठीक है। और आज के एडिटिंग PC 70,000, 80,000, 1,00,000, 1.5 लाख तक के बन रहे हैं, तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे आप। वहाँ तक सोचोगे उससे पहले ही आपका है ना ड्रीम्स है ना वो ड्रीम पे है ना वो लग जाएगा चीरा, ओ सॉरी ड्रीम्स पे है ना ड्रीम्स का ना ड्रीमा हो जाएगा। तो आप अपने मोबाइल में भी एडिटिंग सीख सकते हो। BN एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको एडिट करने के लिए। मैंने जब EDS सीखा था तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रीमियर प्रो भी मैंने यूज़ करा, FCP 7 भी चलाया, 10 भी चलाया। ऑलमोस्ट जितने सॉफ्टवेयर हैं उनकी टाइमलाइन वो सेम होती है, थोड़े से स्ट्रक्चर और थोड़े शॉर्टकट कीज वगैरह और थोड़ी चीज़ें एडवांस और थोड़ी कम वैसे। मेन थिंग है आपको अगर इफेक्ट्स की नॉलेज है, वो आपको पता है कि इस इफेक्ट्स को ये नाम बोलते हैं, तो आपको सर्च करना है, उस नाम को डाल दिया, मान लो मैंने डिजोल्व डाल दिया तो वो निकल के आ जाता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे उठाकर क्लिप में लगाते हैं, वैसे आपको प्रीमियर प्रो में लगाना पड़ेगा, वैसे ही आप FCP में लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैक पे काम कर रहे हैं आप, तो आपको कमांड्स और कीज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपके पास एक बाइक है, कोई सी भी बाइक है, या CT 100 है या प्लेटिना है, जोन सी भी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप बुलेट चला लोगे, तो आप मुझसे ये बोलोगे कि हाँ भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी और चला लूँगा। तो वही सेम थिंग होती है, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी दूसरी चीज़ों में, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके दिमाग में है।